वो डीवीडी कहाँ है? मैं तो उस लड़की को जानता हूँ, यही तो है जो मुझे इन्फॉर्मेशन देती। ये लड़की जिंदा है? हाँ मिस्टर केजरीवाल, मैं उससे कई बार मिल चुका। मुझे अफसोस है कि शशि और उस लड़की ने मिलकर आपको फंसाया। लेकिन सर, अगर ये लड़की इन्वॉल्व है तो फिर ये आपकी मदद क्यों कर रही है? इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकती है। देवरत, तुम फॉरन होटल लीडो जाओ, ये लड़की वहां भी हो सकती है। आजकल इसका नाम रोजी है, सिमरन नहीं। और आने को भी फोन करके बोल दो, लड़की जैसे ही मिले उसे फॉरन स्टेशन लेकर आ। यस सर। चलिए। पहली बार जब फोन आया था तभी पुलिस को बता देते तो कई लोगों की जान बच जाती। हो सकता है तुम्हारे दोस्त अरमान की भी। क्या मिला ये सब करके?
सर, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं उसे देख सकता हूं। तुम होश में तो हो शेखावत? अब तुम कहोगे कि वो लड़की लड़की नहीं है, उसका भूत है। देखो, गलत मत समझना, मैं और इनफैक्ट सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं, पर इस वक्त तुम्हारे बारे में बातें हो रही है जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हारे अपने सबॉर्डिनेट्स तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि सर सोते नहीं हैं, रात रात को घूमते रहते हैं, अपने आप से बातें करते हो। देखो कैसे घूर के देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ भी शौक फरमाने के मूड में। झूठ क्यों बोलूंगी, यहाँ के लोग पुलिस की कोई मदद नहीं करते। फ्यूचर के बारे में सोचो शेखावत, ये जो तुम कह रहे हो अगर रिपोर्ट में फाइल करोगे, यू नो व्हाट्स गोना हैपन, सारा डिपार्टमेंट हंसेगा तुम पर। तुम 2 महीने की छुट्टी ले लो, यू रियली नीड इट। और सच का क्या? सच ये है कि केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अरमान कपूर एक ऐसे कार एक्सीडेंट में मारा गया जो कि ए फाइनल केस है, और वो 2 आदमी जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, दे डेड, केस क्लोज्ड। यही सच है और यही तुम्हारी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होगी। Am I clear? Yes, sir. Good. क्यों हो रोजी? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। आपका इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे और मुझे यहाँ से ले जाओगे। नहीं नहीं सुरचंद, सुनो, तुम अपने दर्द का इलाज करो वरना और दर्द मिलेगा। वो हम जैसे दर्द में डूबे लोगों की तरफ खींचे आते हैं, उन्हें लगता है कि हम भी उनकी तरह हैं। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ लोग आत्माओं से बात कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि ऐसे होता है। जरा सोचो रोशनी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इस बकवास में तो कैसे यकीन कर सकती हूँ। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो समझाई नहीं जा सकती। तुम अभी ये सब छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। इतना आसान थोड़ी है साहब। क्यों बताऊंगी तो यकीन नहीं करोगे।